गैस कुछ हफ्ते पहले मैंने अपलोड करा था मोडी डार्क एडिटिंग इन लाइटरूम ऐप, और उसके बाद मैंने अपलोड करा था मोडी ब्राउन इफेक्ट इन लाइटरूम, जिसमें आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया। और आज मैं आप लोगों के लिए आया हूं गाइस लाइट मोडी इफेक्ट इन लाइटरूम ऐप, तो आप लोगों के लिए ये कुछ अलग है गाइस। और इससे पहले मैंने अपलोड करा था गाइस इस ट्यूटोरियल वीडियो को पिक्सआर्ट ऐप पे एडिट किया था, तो इसे अगर आपको देखना है तो गाइस मेरे आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। गाइस सबसे पहले लाइटरूम ओपन करके इसे प्रेस करूंगा और उसके बाद सिंपली इस फोटो को इंपोर्ट करूंगा। तो ये रॉ फाइल का है, तो आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली ऑल फोटोज को ओपन करके यहाँ से इंपोर्ट कर लूंगा इस इफेक्ट को या इस फोटो को, और इसके बाद इसे प्रेस करना है। देन गाइस आपको कॉपी सेटिंग को प्रेस करना है, देन इसे ओके कर दूंगा। और ऐड होने के बाद आपको सिंपली बैक करना है और फिर से आपको सेम ऑप्शन पे जाना है, मतलब अब आपको अपना फोटो को इंपोर्ट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ अपने फोटो को ऐड कर लूंगा और ऐड होने के बाद गाइस इसे प्रेस करूंगा, और आप यहाँ देख सकते हैं पेस्ट सेटिंग्स, इसे आपको प्रेस करना है। तो ये इफेक्ट अप्लाई हो गया गाइस। देन गाइस आपको इस ऑप्शन पे जाना है और इसके बाद गाइस आपको मिक्स टैब को ओपन करना है और यहाँ ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके लुमिनस को बढ़ा देना है और सैचुरेशन को कम कर देना है। देन आपको रेड कलर चूज करना है और इसमें भी सेम आपको लुमिनस को बढ़ा के सैचुरेशन को -30 पे रख देता हूँ। इसके बाद इसे मैं डन कर दूंगा और उसके बाद गाइस इस ऑप्शन पे जाके सिंपल नॉइज रिडक्शन को बढ़ा दूंगा और डिटेल को थोड़ा बढ़ाकर कलर नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ा दूंगा। और गाइस उसके बाद इस ऑप्शन पे जाके सिंपली एक्सपोजर को बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, एकदम ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। और इसके बाद गाइस शैडोज को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और उसके बाद इस कलर्स वाली टैब पे जाऊंगा और यहाँ आर्टिस्ट 03 को अप्लाई करूंगा और अप्लाई करके इसे थोड़ा बढ़ा दूंगा और इसके बाद इसे सिंपली डन कर दूंगा। उसके बाद गाइस फिर से इस ऑप्शन पे जाके मिक्स टैब को ओपन करूंगा और लुमिनस को बढ़ा दूंगा और ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करके लुमिनस को बढ़ा दूंगा, सैचुरेशन को कम कर दूंगा और फिर रेड कलर को चूज करके गाइस सैचुरेशन को कम कर दूंगा। और अब गाइस येलो कलर में जाके लुमिनस को बढ़ा दूंगा, ज्यादा ही कुछ बढ़ाना है इसमें, 83 पे रख देता हूँ इसे और इसे डन कर देते हैं। देन गाइस इस ऑप्शन पे जाके सिंपली विग्नेट को बढ़ा दूंगा इसमें और इसके बाद इस ऑप्शन पे जाके सिंपली हाईलाइट को बढ़ा दूंगा और यहाँ ब्लैक्स को थोड़ा सा कम कर दूंगा और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और उसके बाद इस स्टेप पे जाके सिंपली मैक्स पे जाऊंगा और इसमें थोड़ा सैचुरेशन को कम कर दूंगा और उसके बाद ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करके हुई को थोड़ा सा बढ़ा, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो गाइस हमारी पिक्चर रेडी हो चुकी है, आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ प्रेस करके सेव टू डिवाइस में जाकर सिंपली इसे सेव कर दूंगा हाईएस्ट पे और इसे ओके करके सेव कर दूंगा। सो आई होप यार आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद नहीं होगी यार तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट करके बताना आज की वीडियो कैसे थी, या आपको कोई प्रॉब्लम होती है गाइस तो कमेंट कर देना। सो गाइस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।